बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, डियर स्टूडेंट्स, होपिंग ऑल ऑफ यू विल बी फाइन। जैसा कि आपको पता ही है कि कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन की सिचुएशन है, और इस सिलसिले में टीचर्स अपने रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो हैं वो एक प्लेटफॉर्म पे जो है वो सब उसको पेश कर रहे हैं, जहाँ स्टूडेंट्स जो है वो अपना उसको यूटिलाइज करके उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट यही है कि ये लेक्चर अच्छी खासी एफर्ट के बाद तैयार होते हैं, तो आप भी इनसे भरपूर फायदा उठाइए और इनको बार बार सुनिए। इसमें आपको एक एडवांटेज ये होता है कि जहाँ से आपको किसी पॉइंट की समझ नहीं आती है, आप उसको रिवाइंड करके दोबारा सुन सकते हैं। इसी सिलसिले का आज हमारा चैप्टर नंबर 4 का लेक्चर नंबर 5 है। हमारा आज का टॉपिक सेल ऑर्गेनाइलिस है। सेल ऑर्गेनाइलिस का एक लेक्चर हम पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज हमारे पास सेल ऑर्गेनाइलिस का दूसरा लेक्चर है, दिस इज पार्ट 2, और इसमें आज हम स्टडी करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गॉल्जी अपैरेटस, लाइसोसोम, सेंट्रियोल्स और वैक्यूल्स को। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेसिकली इज अ नेटवर्क ऑफ कनेक्टेड चैनल्स व्हिच इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को स्टडी करने के लिए मैंने ये डायग्राम ओपन की है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। देखिएगा, ये हमारे पास दो फॉर्म है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। दिस वन इज कॉल्ड एज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड दिस वन इज कॉल्ड एज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस वजह से रफ कहलाता है क्योंकि उसके ऊपर ये राइबोसोम्स अटैच हैं। जो डॉट्स नजर आ रही हैं ये बेसिकली राइबोसोम्स है, यहाँ लेबल भी किया वैसे। जबकि ये जो आपके पास है ये स्मूथ फॉर्म है, इसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच नहीं है। यहाँ देखिएगा कि आपके पास न्यूक्लियर एनवेलप है, ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक जो है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इधर से है वो पहुंचे होते हैं। जबकि यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन को नहीं दिखाया, सॉरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को नहीं दिखाया गया। प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक, दूसरी साइड तक ये जो है ये पहुंच जाते हैं। लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म। अब इसकी जो फॉर्म है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जो कि राइबोसोम अटैच होते हैं, सो इट इज इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उसके डिफरेंट फंक्शंस हैं जो हम आगे जाके पढ़ेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको बता दिया, इट इज अ नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड चैनल। इट्स डिस्ट्रीब्यूशन इज दैट इट इज बिकॉज मेम्ब्रेन बाउंडेड, देयरफॉर इट इज प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल्स। लोकेशन सेल में आपको बताइए, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्रॉम वन साइड एंड इट इज रीचिंग टू द न्यूक्लियर एनवेलप ऑन द अदर साइड। इट्स अदर साइड्स इट्स मीन इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म। इसकी टाइप्स देखते हैं, देयर आर टू टाइप्स जैसे मैंने आपको बताया था। द फर्स्ट वन इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड इट इज रफ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स ऑन इट। और फंक्शन इसका मैंने जैसे आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, दैट इज प्रोटीन सिंथेसिस। नेक्स्ट हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इट इज स्मूथ ड्यू टू एब्सेंस ऑफ राइबोसोम्स, जैसे मैंने बताया था। इसके फंक्शन है, इट इज लिपिड मेटाबॉलिज्म। इसको आप लिपिड सिंथेसिस भी कह सकते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज में एक इसका क्वेश्चन पूछा गया कि विच ऑफ द विच स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ दिस। तो उसमें आंसर आपका क्या होगा, लिपिड होगा। इट ऑल्सो हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ मेटीरियल अक्रॉस द सेल। सेल के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में मेटीरियल्स को ट्रांसपोर्ट करने में इन्वॉल्व होता है। It also detoxifies the harmful chemical substances that enters the cell. The detoxification एक important function है endoplasmic reticulum का। Next हमारे पास जो organelle है, that is Golgi apparatus, and Golgi apparatus जो है, it is also membrane bounded, it is also present throughout the cytoplasm. अब हम इसकी detailed structures study करने के लिए फिर एक diagram में open करने लगा हूँ। ये देखिए हमारे पास गॉल्जी अपैरेटस की डायग्राम है। ये बेसिकली फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक्स है और ये सैक्स क्या कहलाती हैं, सिस्टर्नी। दिस सिस्टर्नीज आर स्टैक्ड अपॉन ईच अदर, एक दूसरे के साथ ये आपस में जुड़ी होती हैं, और द होल सेट ऑफ दीज स्टैक ऑफ सिस्टर्नी इज कॉल्ड एज गॉल्जी अपैरेटस। देखिए गॉल्जी अपैरेटस में ये कुछ वेसिकल्स आ रही हैं जो सेकेशंस की फॉर्म में होती हैं, एंड दे आर कमिंग फ्रॉम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसके बाद ये फिर क्या करता है, इसको गॉल्जी अपैरेटस इसको प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद इसको जो है ये फाइनल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, और जो फाइनल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद
फिर उसको एक ये वेजिकल की फॉर्म में पैक करता है, और पैक करने के बाद जो है ये इसमें से वेजिकल्स अलग हो जाती हैं, या तो ये वेजिकल जो है सेल के अंदर दूसरे हिस्सों में भिजवा दी जाती हैं फॉर द डिफरेंट फंक्शंस, आर दे आर सेंड आउट ऑफ द सेल्स थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जैसा कि यहाँ पे ये दिखाया गया है। अब गोल्जी अपैरेटस के कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे मैंने बताया इट इज प्रेजेंट इन ऑल यूकेरियोट्स बिकॉज इट इज मेम्ब्रेन बॉन्डेड, सो इट इज प्रेजेंट बोथ इन प्लांट्स एज वेल एज इन द एनिमल सेल्स। डिस्कवरी है, दिस वाज डिस्कवर्ड बाय इटालियन फिजिशियन कैमिलो गोल्जी, और उसी की वजह से नाम जो है वो गोल्जी अपैरेटस रखा गया है। दिस पर्सन वन नोबेल प्राइज फॉर फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन इन 1906। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एमसीक्यूज। स्ट्रक्चर है, जैसे मैंने आपको बताया था इट कंसिस्ट ऑफ फ्लैटेड मेम्ब्रेनस सैक्स, दीज आर कॉल्ड सिस्टर्नी। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिस्टर्नी का शॉर्ट एमसीक्यूज के लिहाज से। दीज सिस्टर्नीज आर स्टैक्ड ओवर ईच अदर, जैसे कि मैंने बताया था कि दूसरे के ऊपर जो है ये स्टैक्ड होते हैं, और जो पूरा स्टैक्ड कंप्लीट स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड एज गॉल्जी कॉम्प्लेक्स, उसको गॉल्जी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है ये इसके फंक्शंस हैं, इट मॉडिफाइज मॉलिक्यूल्स कमिंग फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसे कि मैंने बताया आपको कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ से आने वाले मॉलिक्यूल्स को मॉडिफाई करता है। वो यहाँ पे फिर ये डायग्राम में देखिएगा, इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेजिकल्स को यहाँ पे लेबल किया, इट मीन दोज वेजिकल्स विच आर कमिंग फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पैक देम इनटू मेम्ब्रेन बाउंडेड सैक्स कॉल्ड गॉल्जी वेजिकल्स। ये इस तरह से जब फाइनल प्रोसेस हो जाता है तो ये देखें एक गॉल्जी वेजिकल यहाँ बन रही है, और ये फिर यहाँ से यहाँ भी गॉल्जी वेजिकल बन रही है, ये फिर गॉल्जी वेजिकल से अलग हो जाती है, और अलग होने के बाद जो है इनको जो है वो गॉल्जी वेजिकल्स कहते हैं, या फिर इसको प्राइमरी लाइसोसोम्स कहते हैं। आगे जाके हमें इसको स्टडी करना है। द थर्ड पॉइंट इज द ट्रांसपोर्ट टू डिफरेंट लोकेशन विद इन द सेल आर एक्सटीरियर टू द सेल इन द फॉर्म ऑफ सेक्रेशन, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि या तो फिर ये गॉल्जी वेजिकल सेल्स के दूसरे सेल में भेजी जाती है, या फिर सेल जो है इसको सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जरिए जो है वो दूसरे सेल्स में या बाहर जो है इसको रिमूव कर देता है या सेक्रेशन की फॉर्म में भेज देता है। नेक्स्ट हमारे पास ऑर्गेनेली लाइसोसोम्स हैं। लाइसोसोम्स वर डिस्कवर्ड बाय क्रिस्टियन रेने डिडोवे, ही वन नोबेल प्राइज फॉर फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन इन 1974। स्ट्रक्चर की है कि सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसमें स्ट्रांग डाइजेस्टिव एंजाइम है, और ये फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्पफुल होते हैं, खासतौर पे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, और उन सेल्स के अंदर ये मौजूद होते हैं ज्यादा जिनमें फेगोसाइटिक एक्टिविटी पाई जाती है, जो बेसिकली फेगोसाइटोसिस के प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। इसको स्टडी करने के लिए मैं एक डायग्राम अभी ओपन करने लगा हूँ। इस डायग्राम में देखिएगा, इसमें तीन हमारे पास जो है जो अभी हमने ऑर्गेनाइज पढ़ी है, तीनों का इकट्ठा कंबाइंड फंक्शन दिखाया गया है। सबसे पहले आपके पास ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये अभी वैसे मैं आपको बता रहा कि ये वेजिकल्स प्रोड्यूस करते हैं, जिनको जो है वो वेजिकल्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ये गॉल्जी अपरेटस में एंटर होती हैं, और गॉल्जी अपरेटस उसको प्रोसेस करके फाइनल फॉर्म में गॉल्जी वेजिकल्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, और अब यही गॉल्जी वेजिकल चूंकि मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर है लिहाजा अब हम इनको प्राइमरी लाइसोसोम्स कहते हैं, और इनके अंदर स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। अब ये देखें कि यहाँ से ये येलो कलर की मेम्ब्रेन दिखाई गई है, इस मेम्ब्रेन से फूड वैक्यूल अंदर एंटर हो रहा है, ये बेसिकली इसके अंदर फूड है, और इसके साथ ये जो प्राइमरी लाइसोसोम है या लाइसोसोम जो है इसके साथ अटैच हो रहा है, यानी दोनों के आपस में फ्यूजन हो रही है, और उसके फ्यूजन के बाद ये हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनता है दिस इज कॉल्ड एज सेकेंडरी लाइसोसोम। अब बेसिकली इसके अंदर जो एंजाइम्स मौजूद होते हैं जिनको यहाँ पे रेड कलर की डॉट्स में दिखाया गया है, ये इस फूड पार्टिकल को ब्रेक करते हैं। देखें यहाँ पे फूड पार्टिकल बड़े साइज का यहाँ पे क्या हो गया, ब्रेक हो गया। इसका मतलब ये है कि इन एंजाइम ने इस फूड को क्या किया है, ब्रेक डाउन कर दिया या इसको डाइजेस्ट कर दिया। अब डाइजेस्टेड फूड जो होती है इट विल बी डिफ्यूज्ड आउट इनटू द साइटोप्लाज्म, और उसके बाद ये जो आपके पास सेकेंडरी लाइसोसोम है ये वेस्ट मटेरियल की शक्ल में जो है वो सेल से बाहर खारिज कर दिया जाता है। इसी प्रोसेस को यहाँ पे एक और डायग्राम के जरिए दिखाया गया है। इसमें देखें कि ये आपके पास लाइसोसोम है, और ये आपके पास सेल के अंदर एंटर होने वाली जो है वो फूड है, इसको फूड वैक्यूल की फॉर्म में एंटर होती है। अब इस फूड वैक्यूल के साथ
ये लाइसोसोम अटैच हो गया। लाइसोसोम के अटैच होने के बाद अब फिर वो देखें फूड पार्टिकल जो बड़े साइज का था वो स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट हो गया है, और इसके बाद ये यहाँ से डिफ्यूज होकर साइटोप्लाज्म में चला जाएगा और अल्टीमेटली ये जो वेस्ट मटेरियल इसके अंदर रह जाएंगे फूड वैक्यूल के अंदर जो अनडाइजेस्टेड होंगे दे विल बी रिमूव्ड आउट ऑफ द सेल। तो ये था फंक्शन हमारे पास लाइसोसोम का। लाइसोसोम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं खासतौर पे जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में या फेगोसाइटिक एक्टिविटी में, यानी व्हाइट ब्लड सेल जो होते हैं जो फेगोसाइटोसिस करते हैं वो उनके लिए जो है उनमें ये खासतौर पे इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है सेल्स के अंदर। नेक्स्ट ऑर्गेनेली जो हम स्टडी करने जा रहे हैं वो सेंट्रियोल्स हैं। सेंट्रियोल जो है ये भी मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है। इट इज प्रेजेंट इन एनिमल्स एंड मेनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, सब में ये नहीं होते हैं। प्लांट्स में ये खासतौर पर जो मेच्योर प्लांट्स हैं उनके अंदर ये नहीं पाए जाते हैं। एक एनिमल सेल में न्यूक्लियस के करीब दो सेंट्रियोल्स पाए जाते हैं जो कलेक्टिवली सेंट्रोसोम कहलाते हैं। इसका स्ट्रक्चर देखने के लिए फिर डायग्राम को ओपन कर रहा हूँ मैं। ये देखिए हमारे पास जो है ये बेसिकली हॉलो सिलिंड्रिकल ट्रिब्यूल्स होती हैं जो तीन के ग्रुप की फॉर्म में अटैच होती हैं, 1, 2 और 3, और इसको कहते हैं ट्रिपलेट, ट्रिपलेट ऑफ माइक्रो ट्रिब्यूल्स। और इस तरह के जो है वो एक सेंट्रियोल के अंदर 9 ट्रिपलेट्स होते हैं। इट्स मीन देर आर टोटल 27 माइक्रो ट्रिब्यूल्स विच आर प्रेजेंट इन वन सेंट्रियोल। देखिए डिस्ट्रीब्यूशन है, इट इज प्रेजेंट एनिमल्स एंड मेनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इन एनिमल टू सेंट्रियोल्स आर लोकेटेड नियर द एक्सटीरियर सरफेस ऑफ द न्यूक्लियस एंड दे आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज सेंट्रोसोम। स्ट्रक्चर जैसे कि मैंने आपको बताया इट इज हॉलो सिलेंड्रिकल एंड ट्यूबुलर एंड मेड अप ऑफ 9 ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रो ट्यूब्यूल्स। इसका इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है खासतौर पे एनिमल्स में सेल डिवीजन में। इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। बेसिकली स्पिंडल फाइबर्स के ऊपर क्रोमोसोम अटैच होते हैं। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट इट हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम, जो स्पिंडल फाइबर्स जो है वो बेसिकली क्रोमोसोम जो है उसकी मूवमेंट में इन्वॉल्व होते हैं। दे आल्सो फॉर्म सिलिया एंड फ्लैजेला इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है लाइक यूग्लिना है या पैरामीशियम है, पैरामीशियम में सीलिया पाए जाते हैं जबकि यूग्लिना में फ्लैजेला पाए जाते हैं। तो ये बेसिकली जो है वो स्ट्रक्चर बनाते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जिनको सीलिया और फ्लैजेला कहते हैं। आज का हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो वैक्यूल्स है। वैक्यूल बेसिकली प्लांट्स और एनिमल दोनों सेल में पाए जाते हैं, और स्ट्रक्चर वाइज इसमें यह कि इट्स सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड्री स्ट्रक्चर, और इसके अलावा इसकी उतना ज़्यादा डिटेल नहीं है। अलबत्ता इसकी जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में पाई जाती हैं, एक एनिमल सेल्स में एक से ज़्यादा वैक्यूल्स पाए जाते हैं जो छोटे छोटे होते हैं, जबकि प्लांट सेल्स में जो छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं वाटर को एब्जॉर्ब करने के बाद आपस में मिलकर एक बड़ा लार्ज वैक्यूल बना देते हैं, जैसे कि आप पीछे पढ़ के आ चुके हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ फॉर्म्स हैं फूड वैक्यूल की। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर फूड वैक्यूल पाया जाता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, पे भी आपको अगली डायग्राम में जाकर दिखाता भी हूँ कि ये फूड वैक्यूल जो है दैट आल्सो हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड, और जो बेसिकली किसकी वजह से होती है विद द हेल्प ऑफ लाइसोसोम। इसके अलावा एक और टाइप है वैक्यूल की दैट इज कार्डस कंट्रैक्टाइल वैक्यूल। ये भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है और इसका काम जो है वो वेस्ट मटेरियल्स को रिमूव करना है। ये दो तरह के वैक्यूल को दिखाने के लिए मैंने ये पैरामीशियम की एक डायग्राम ओपन की है। इसमें देखें ये आपके पास तो स्टार शेप है, ये कंट्रैक्टाइल वैक्यूल है और यहाँ एक और कंट्रैक्टाइल वैक्यूल है। ये दोनों वैक्यूल बेसिकली वेस्ट मटेरियल्स को रिमूव करने में इन्वॉल्व होते हैं, जबकि जो है ये आपके पास जो है ये फूड वैक्यूल है। ऐसे मैंने आपको बताया था पहले कि जो है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर फूड जो होती है उसकी डाइजेशन में भी लाइसोसोम इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ से देखें यहाँ ये फूड पार्टिकल है जो एंटर हो रहा है, यहाँ इस फूड पार्टिकल को पैक किया जा रहा है फूड वैक्यूल में, और अब ये फूड वैक्यूल जो है ये इसके साथ लाइसोसोम अटैच हो जाएंगे और ये फिर मूव करता जाएगा साइटोप्लाज्म में। इसमें से फूड डाइजेस्ट होके जो है वो डिफ्यूज होके साइटोप्लाज्म में चली जाएगी और अल्टीमेटली इसको वेस्ट मटेरियल के जरिए वेस्ट मटेरियल की फॉर्म में जो अनडाइजेस्टेड रह जाएंगे इसके अंदर उसको रिमूव कर दिया जाएगा। हमेशा की तरह ये आपके पास एक्सरसाइज है, इसमें आज के टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। पहले ये जो है उसको देख लीजिएगा, इसके तकरीबन सबके आंसर्स मैं बता चुका हूँ। एक स्लाइड आपके पास ये है शॉर्ट क्वेश्चन की, दूसरी स्लाइड आपके पास ये है,
और उसके बाद आपके पास जो है इसी से रिलेटेड एमसीक्यूज है। ये देखें आपके पास एक स्लाइड पहली एमसीक्यूज की आ गई, ये दूसरी स्लाइड है एमसीक्यूज की। इसमें फिर बताता चलूं कि इसमें जिस सारे क्वेश्चन पे में आए हुए हैं वो सार के साथ मेंशन किए हुए हैं इम्पोर्टेंट, इसमें से नोट कर लीजिएगा। ये फिर आपके पास तीसरी स्लाइड है और एंड पे जाके ये जो है वो लास्ट स्लाइड है। इन एमसीक्यूज को फिर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, जैसा कि मैं हमेशा की तरह बताता हूँ कि अगर कोई इसमें प्रॉब्लम आए उसको तो इनबॉक्स करें। एट द एंड आई वुड लाइक टू से यू अगेन थैंक यू, स्टे एट होम, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू वेरी मच।